लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में चारों ओर छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और घर घर छठी मैया व सूर्य देव के गीत भी गाए जा रहे हैं। ऐसे में छठ घाट की स्थिति देख स्थानीय लोग हैरान हैं। दरअसल दरभंगा के वार्ड 30 और 31 का छठ घाट की यह स्थिति है, यदि कोई उस पानी में उतरे तो उसको कोई न कोई बीमारी हो जाना संभव है। वहीं छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे अश्विनी वर्मा ने कहा कि छठ महापर्व की तैयारी लगभग एक डेढ़ महीना पहले से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में छठ घाट पर मवेशी एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में फेंका हुआ है। पानी कम होने के कारण यह मवेशी फंस चुका है और छठ महापर्व कुछ ही दिन दूर है। वहीं उन्होंने कहा दरभंगा की महापौर, उपमहापौर और नगर आयुक्त ने छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए टीम बना दिया है और काम होना भी शुरू हो गया है, लेकिन अब तक हमारे वार्ड का काम ज्यों का त्यों है। हमारे छठ घाट की वह स्थिति है कि पवित्रता इस घाट का खत्म हो चुका है। वहीं अश्विनी वर्मा ने वार्ड पार्षद से भी इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है इस पर खुद ही सुनिए। बहंगी कन्हा लगाए मन में आस जगाए, बहंगी कन्हा लगाए मन में आस जगाए, दैला रघही के आयल छियो आयल छियो दीनानाथ पर। वार्ड नंबर 30-31 के अंतर्गत आने वाला सक्का घाट है। हर साल यहाँ पे छठ मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ और हर साल यहाँ पे नगर निगम की ओर से सफाई के दावे किए जाते हैं और इस बार लेकिन प्रभावी दिखते नहीं हैं। लेकिन इस बार नगर निगम के खासकर मेयर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त महोदय, उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया और सभी घाटों का निरीक्षण किया था कि उन घाटों की साफ सफाई नगर निगम की ओर से की जाएगी ताकि छठ परिवर्तनों में कोई दिक्कत ना हो। कुछ घाट अगर उस पर काम पे बात की जाए तो कुछ घाटों की तरफ काम तो अच्छे से हुआ है, लेकिन पंक्चुअल मॉनिटरिंग ना होने के कारण, क्योंकि कागज़ों पे ड्राफ्ट बन जाता है पास कर देने के बाद धरातल पे किस तरह काम होता है कोई देख नहीं पाता, क्योंकि काम के समय जब आप ज़मीन पे आकर के काम को देखेंगे तब आपको पता चले काम की स्थिति क्या है, क्योंकि कर्मचारी जो भी होते हैं वो रिपोर्ट बना के दे देते हैं, रिपोर्ट के बदले सरकार और पदाधिकारी रह जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं आते, इसलिए जैसे तैसे काम होकर निकल जाता है। अभी आप आकर के 30-31 घाट है ये देख सकते हैं पीछे कितना मवेशी मरा हुआ है। नगर निगम ने काम जरूर किया है पीछे की तरफ, लेकिन हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है बिलाई का कपार बाहर ना, वैसा ही काम है, ऊपर ऊपर से करके निकल गया है, न नीचे कूड़ा की सफाई है ना मरे हुए जानवरों को निकाला गया। आगे देख सकते हैं वाटर लेवल कम होने के कारण हमारे पूरा पटका हुआ है। आगे मजार शरीफ के बगल में एक नाला का निर्माण होना है जो बहुत समय से अटका हुआ है, क्या है परिस्थिति वो तो नगर निगम ही बताएगा, जिसके कारण बहुत सारा दिक्कत होने को सामने है। पिछले बार भी बहुत सारे डाला लेकर के जाने वाले जो भक्त थे वो सब गिर गए, तो हम लोगों ने नगर निगम को कह करके ही लास्ट में ही अस्थायी पुल का निर्माण तो करवाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें कहा गया लेकिन फिर उस नाले का कुछ किया नहीं गया। अभी भी आप देख सकते हैं कोई स्थायी काम हुआ नहीं है। तो जब कहा जा रहा है कि जब जनता खुद ही सारा काम करेगी तो फिर प्रशासनिक पदाधिकारी है किस लिए, पवित्रता बाधित हो जाती है। यहाँ पे काम आता है कि कर्मचारी काम करने आते कहते एक दिन का बात है कर लीजिए, इसी एक दिन के लिए लोग देश दुनिया भर से ट्रेन और फ्लाइट से भर भर के आते हैं कि भाई हमारा एक साल का पर्व है, साल भर का पर्व है, छठ का आस्था का महापर्व है, इसमें लोग एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं कि भाई हमको छठ मनाना है। और रही बात पानी की तो आप देख सकते हैं कितना दूषित पानी है ये। तो मैं हमारे जो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री संजय झा जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारा जल संसाधन विभाग के तरफ से काम भी किया, उनसे मैं अनुरोध भी करूंगा कि थोड़ा वाटर लेवल पे ध्यान दें। ये बागमती नदी का अधवारा समूह है जो कि छूटकर यहाँ से एक में होकर जाता है, इसका वाटर लेवल अगर छठ में थोड़ा बढ़ जाता तो यहाँ पे दिक्कत नहीं। अब देख सकते कितना नीचे तक वाटर लेवल चला गया है, तो ऐसे में छठ हो नहीं पाएगा, बहुत एक छौना भी नहीं है, बहुत नीचे पानी है। इसीलिए अर्पितियों को दिक्कत ना हो, उसके बाद सारे जंगल को साफ करके निकाला जाए, क्योंकि वाटर लेवल कम होने के कारण ये सब आगे फंस जाते हैं और एक दो की मात्रा नहीं है, वहाँ देखिए आगे तक देखिए जाएगा बहुत सारे फंसे हुए हैं, सारा कूड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा काम करें तो थोड़ा स्थायी प्रभावी ढंग से काम करें ताकि जनता में रोष ना हो, जनता में ऐसे ही सरकार के प्रति रोष बढ़ जाता है, काम करने के बाद भी नाम नहीं हो पाता। उन्होंने प्रभावी रूप से नगर निगम को खुद भी कहा है, आदरणीय नफीसुल हक रिंकू साहब, उनसे मैंने पर्सनली बात की इस मुद्दे पे, तो उन्होंने कहा कि नगर निगम काम कर रहा है और मैं भी खुद भी आगे जाकर बात करूंगा। तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा
कि आप जिस तरह से वार्ड में कर्मठता से काम करते हैं, एक्टिवली ऑनेस्टली रहते हैं, आप इस समय में जरूर खुद से ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड वर्क में साथ रहें और आकर के इन सब परेशानियों को दूर करें, क्योंकि एक दिन का पर्व नहीं है, यह आस्था का महापर्व है। इसलिए सभी परिवर्तनियों को और जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अश्वनी वर्मा, प्रवक्ता, जिला युवा जदयू दरभंगा।